हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो बेस डेटाबेस को लेकर के। यहां पर देख सकते हैं दो टेबल हमने बनाई है, पहली टेबल ये है और यहां पर देख सकते हैं ये दूसरी टेबल है। इसमें अभी कोई रिकॉर्ड नहीं फिल किया, टीचर्स आईडी दी गई है तो यहां पर टीचर्स आईडी T01 मैं फिल करता हूं और इसे मैंने प्राइमरी की बनाया है और यहां पर लिख देता हूं रमेश सिन्हा। पहले टीचर का नाम है रमेश सिन्हा, ये लिख दिया। फिर यहां पर T02 कर देता हूं और फिर यहां पर दूसरे टीचर का नाम लिख देता हूं, जो भी टीचर का नाम है वो यहां पर मैं डाल देता हूं, ठीक है। फिर यहां पर तीसरे टीचर का नाम डाल देता हूं T03, इनकी आईडी है और टीचर का नाम है गोविंद वर्मा। तो ये कुछ टीचर्स के नाम मैंने डाल दिए और यहां पर इसको सेव भी कर लिया है, इसको क्लोज कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम एक एसक्यूएल क्वेरी बनाएं, तो क्या एसक्यूएल क्वेरी ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस में भी पॉसिबल है बनाना? अगर बनाना पॉसिबल है तो ये कैसे बना पाएंगे क्वेरी, चलिए इसी बात को आज समझेंगे। यहां पर दो टेबल्स आपको दिखाई पड़ी रही हैं, तो यहां पर आपको आना है क्वेरी पर। क्वेरी पर आए और क्वेरी पर आने के बाद आपको तीनों में से कौन सी क्वेरी चूज करनी है, ये चूज करना है लास्ट वाला, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। तो इसी पे क्लिक कर दीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे सिनेरियो कुछ इस तरीके का होगा। अब यहाँ पे लिखिएगा सेलेक्ट, अगर आपको पूरा टेबल ही सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे एस्ट्रेक लगाइएगा, यानी मल्टीप्लाई वाला जो सिंबल होता है वो लगाइएगा। यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम और यहाँ पर टेबल का नाम, तो ये लिख दिया टेबल वन। हमें कहां से सेलेक्ट करना है, टेबल वन से सेलेक्ट करना है, बस यहां से रन करवा दीजिए। ये क्वेरी वन के नाम से सेव हो रहा है, चलिए सेव कर दिया हमने इसको। सेव करने के बाद अब इसको देख लेते हैं, इस क्वेरी को रन कराने पे क्या आया हुआ रिजल्ट। तो यहां पे इस क्वेरी को जैसे ही मैं चलाता हूं तो आप देख पाएंगे कि यहां पर वही वही रिकॉर्ड्स आए हुए हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको टेबल टू के लिए क्वेरी बनानी है, टेबल टू के सारे रिकॉर्ड्स फेच कराने हैं, तो यहां पर सेलेक्ट, फिर यहां लिखिएगा फ्रॉम FROM टेबल, ये टेबल इस तरीके से लिखेंगे टेबल टू, ये हो गया। बस यहां से आप इसको रन करवा दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। सेव हो गया, कोई एरर नहीं है तो ये प्रोग्राम चल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आ भी जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि इस तरीके से आप एसक्यूएल क्वेरी कैसे बना सकते हैं ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और आगे की वीडियोस के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं हमारी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।